तो मित्रों, लास्ट वाली वीडियो में ग्रैनी ने टॉयलेट से निकलकर हमें हमारे ही घर में बंद कर दिया था, और तो और उसने वॉल्कनी में ग्रैंडपा और एक तरफ बेबी स्पाइडर को खड़ा कर दिया था जिससे हम लोग भाग ना सके। लेकिन अभी मुझे कैसे भी करके इस 2 मिनट के अंदर यहां से एस्केप करना होगा, क्योंकि 2 मिनट में बनती है मैगी जो कि ग्रैनी बना रही है। एंड जब तक वो किचन में है तब तक हम चुपचाप से यहां से निकल लेते हैं यार, अभी मौका। और मित्रों, एक बार हम उस बाइक के पास अपनी पहुंच गए ना, तो फिर ग्रैनी की अम्मा भी हमको नहीं पकड़ पाएगी। तो सबसे पहले हमें नीचे जाना होगा ये पता लगाने की जो दरवाजा उस ग्रैनी बुढ़िया ने लगाया है वो कैसे खुल सकता है। एंड नीचे जाना काफी ही चैलेंजिंग का काम हो सकता है, क्योंकि यार अगर ग्रैनी ने पकड़ लिया मैं नीचे जाते हुए या ग्रैंडपा ने देख लिया बहुत मारेंगे, इसलिए हम लोग उल्टे होके चलेंगे। अगर इन लोगों ने बाय चांस देख भी लिया तो हम लोग ऊपर आ जाएंगे, हम कहेंगे हम तो भाई नीचे से ऊपर आ रहे थे यार, नीचे कहां जा रहे थे। एंड हम लोग नीचे आ चुके हैं, अभी तक तो कोई दिखाई नहीं दिया। एंड गाइस, अगर कोई दिखाई देगा तो मैं सीढ़ियों के नीचे छिप जाऊंगा, लेकिन अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। अबे अबे किधर है तू ड्राइवर? ग्रैनी? अबे ड्राइवर एक बात बता, नीचे क्या कर रहा तू? मैं तो नीचे साफ सफाई पोंछा लगाने आया था ना, आप ही ने तो कहा था। अरे अरे मैं ये पूछ रही कि तूने मैगी मसाला कहाँ रख दिया, बता जल्दी। वो तो इस चीनी वाले डिब्बे में पड़े होंगे पाउचेस। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। अरे जल्दी आना ऊपर, बस रेडी होने वाली है मैगी। ओके, तो फाइनली ग्रैनी चली गई यार, मेरी तो फटके हाथ पे ही आ गई थी। खैर अभी हमारे पास थोड़ा टाइम बचा है इस दरवाजे को खोलने के लिए, जिसमें 3-3 ताले लगे हैं। एंड हमें मतलब 2-3 चाबियां चाहिए होगी। एंड जो लकड़ी लगी है इन्हें तो मैं यार ग्रैनी के बेड से तोड़ दूंगा, एंड अगर मेरा बच चला तो मैं हाथ से ही तोड़ दूंगा यार, क्योंकि मेरा बाहर निकलना बहुत जरूरी है, वरना ग्रैनी हमको प्रताड़ित करती रहेगी यार, एकदम समझ जाए। कहां हो सकती है चाबी यार, कहीं ये चाबियां उस बुढ़िया ने खा तो नहीं ली, ऐसे तो नहीं टॉयलेट में मिले जाती है? अरे नहीं यार, मुझे तो लगता है यार नीचे भी हो सकती है, इसलिए हम लोग नीचे से ही सर्च करना स्टार्ट करते हैं। यहां नहीं होगी, ये अलमारी तो कब से जंग लगी पड़ी है। अरे कहां रख गई है बुढ़िया चाबी यार, इसी से तो नहीं पूछ सकते, वरना वो कच्चा खा जाएगी, मैगी तो बाद में खाएगी, पहले मुझे खा लेगी। एंड एक मिनट, ये रही चाबी, शायद यही है, एक मिनट लगा के देखते हैं। अरे इन लकड़ियों को, हे भगवान खुल जाना, हे भगवान खुल जाना प्लीज यार, दरवाजा खुल जाना यार, प्लीज प्लीज खुल जा बिंगाड़ियम छोटी। वाओ यार, मतलब फाइनली यार दरवाजा खुल चुका है। अब एक मिनट बाहर निकलना जरूरी है, वरना एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए अगर ग्रैनी ने पकड़ लिया। ओहो क्या बात है, हम लोग बाहर आ चुके हैं। एक मिनट, इन लोगों का यार चेहरे देखे यार, ग्रैनी ग्रैंडपा, ओ ग्रैनी ग्रैंडपा, ये लोग हमें देखते ही रह जाएंगे यार, अब क्या बात है। लेकिन अभी भी हमें यार पूरी सफलता नहीं मिली है, क्योंकि हम अपने ही घर से बाहर निकला यार, अभी इन लोगों को भी हमें घर से बाहर निकालना है। लेकिन एक मिनट यार, मैंने कुछ देखा, क्या आपने देखा यार? इन लोगों ने मेरे प्यारे कुत्ते रॉकी को बंद कर लिया यार। रॉकी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ? नहीं गाइस, मुझे वापस जाना होगा। मैं जा रहा हूँ ग्रैनी, मैं आ रहा हूँ अपने कुत्ते को छुड़ाने। तू मेरा घर ले ले, तू मेरी बाइक ले ले, तू मेरे कपड़े ले ले, लेकिन मेरे रॉकी को मुझे वापस दे दे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो गाइस, ओवर एक्टिंग करने के बाद मैं यहाँ से कूद